नमस्ते, मैं हाजी रईस अहमद, समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी बदायूं शहर से और प्रसाद ग्रुप का चेयरमैन, अपने देश के सभी वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनकी सुख और स्मृति के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसे सभी धर्म के लोग मनाते हैं, खास करके हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म का ये बहुत ही स्पेशल त्यौहार है। दीपावली हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से रोशनी की ओर और पराजय से जीत की ओर लेके जाता है। ये वो त्यौहार है जब भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर जीत हासिल की थी, जब वो अयोध्या वापस आए थे, उनकी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये त्यौहार हम सब लोग आओ मिलकर अच्छे से मनाएं, अपने देश को, अपने शहर को समृद्धि की तरफ, विकास की ओर लेके जाएं। आप सबको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। दिवाली के इस पावन अवसर पर, इस त्यौहार पर जो खुशियों से भरा है, रोशनी से भरा है, मैं आप लोगों से दूर हूँ, श्रीनगर में हूँ। कोशिश करूँगा कि दिवाली के दिन आपका प्रश्न लिया कर मैं भारत पा दूँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सका तो मेरी दिली हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी की तरफ से, सांसद धर्मेंद्र जी की तरफ से, सांसद आदित्य यादव जी की तरफ से। ये त्यौहार बड़ा खुशियों का त्यौहार है। वैसे तो सब त्यौहार सम्मानजनक होते हैं, दिवाली में से एक त्यौहार है जिसमें मोहब्बत का संदेश जाता है, खुशियों का संदेश जाता है, प्रेम का संदेश जाता है। इस त्यौहार पर लोग अपने घर पर लक्ष्मी देवी के आगमन का इंतजार करते हैं, खुशियों का इंतजार करते हैं। आपको हार्दिक बधाई के साथ साथ बस एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा देश बहुत खूबसूरत देश है जिसमें प्यार ही प्यार है, लेकिन आज नफरत का बाजार इतना गर्म हो चुका है, दिलों में मोहब्बत की जगह लोग नफरत पाते हैं। आप लोगों से मेरा संदेश है, इल्तिजा है, गुजारिश है, इस नफरत को चाहे किसी के लिए हो खत्म करके दिल में मोहब्बत जगा, प्रेम करना सीखे। देश हमारा बहुत ही सम्मानजनक देश है, इसमें बड़ा प्यार है, तरह तरह की जाति है, तरह तरह का मज़हब है, तरह तरह की बोलियां हैं, सभी लोग प्यार से रहते हैं। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में इसकी तारीफ की जाती है कि हिंदुस्तान में जितनी जातियां हैं, जितने मज़हब हैं, लेकिन सब मोहब्बत से रहते हैं। तो इस दिवाली के मौके पर, इस पावन अवसर पर सब अपनी दिली बुराइयाँ मिटाकर, अपने दिल में मोहब्बत जगा कर, सब में प्यार बात कर रहे हैं, अच्छा हिंदुस्तान। इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ, फिर दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब हैं भाई। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर इत्तेहाद आलम, बालोग विशेषज्ञ, अल्फारिया हॉस्पिटल बदायूं। मैं अपने अस्पताल की तरफ से, सद्भावना मंच बदायूं की तरफ से, दीपावली के इस मौके पर और भी जो हमारे भारतीय त्यौहार होते हैं उस मौके पर मैं तमाम लोगों को शुभकामनाएं, उसकी हार्दिक बधाई देता हूं। और ये तमन्ना करता हूं कि हमारे जो भारतीय समाज के लोग हैं वो इन मौके पर, इन त्यौहारों पर आपसी भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, मेल मिलाप की बात करेंगे और सब लोग इस भारत के निर्माण को मिलजुल कर बनाएंगे। यही हमारे भारत का मुख्य उद्देश्य है। एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद।